हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने किंगडम एनिमेलिया के फाइलम अर्थोपोडा को डिस्कस किया था, तो आज हम फाइलम मोलस्का को स्टडी करेंगे। जो मोलस्का होते हैं उन्हें हम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स भी कहते हैं। इसके जनरल करेक्टर्स हैं, मोस्टली मैरीन है, बायलेटरल इन सिमेट्री, एंड बॉडी इसकी हेड मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प में डिवाइडेड होती है। अब जो मोलस्का की बॉडी है उसके बाहर एक शेल प्रेजेंट होती है जो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, और शेल के नीचे मेंटल, मेंटल का अदर नेम है पेलियम प्रेजेंट होता है, जिसके पास मेंटल कैविटी प्रेजेंट होगी। मेंटल कैविटी एक थिन फ्लैशी फोल्ड ऑफ डॉर्सल वॉल कवरिंग द बॉडी। ये मेंटल की डेफिनेशन है, मीन्स एक थिन फ्लैशी फोल्ड होता है डॉर्सल वॉल का जो कवर करता है होल बॉडी को, उसके ऊपर होती है शेल। नेक्स्ट इज बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी मीन्स सिलोम। जो मोलस्का है उसमें रिड्यूस सिलोम प्रेजेंट होती है, मीन्स कम सिलोम प्रेजेंट होती है, बट प्रेजेंट इन दी हार्ट, किडनी एंड गोनर्स। और इस बॉडी कैविटी ऑफ मोलस्का को हम कहते हैं होम्योसील। ये आपने याद रखना है, होम्योसील इज प्रेजेंट इन मोलस्का। जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है मोलस्का में कंप्लीट होता है। अब पाइला, पाइला इसके एक जनरा है, इसका एक मेंबर है, जिसकी बक्कल कैविटी में एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, दैट इज रेडुला। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रेडुला स्ट्रक्चर किसकी फाइलम में प्रेजेंट होता है, तो आंसर होगा मोलस्का। नेक्स्ट इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ओपन है कि जो इसका ब्लड होता है वो आर्टरीज, कैपेलरीज या वीन्स में नहीं मूव करता। और इसके ब्लड की एक मेन फीचर याद रखना है कि इसमें ब्लू पिगमेंट प्रेजेंट होता है ब्लड में, जिसकी वजह से जो मोलस्का का ब्लड है वो ब्लू कलर दिखाई देता है। वो कौन सा पिगमेंट है? होमोसाइनिन। और एक एक्सेप्शनल केस है कटल फिश, जिसे हम कहते हैं सीपिया, उसमें ब्लड वास्कुलर सिस्टम क्लोज होता है। रेस्पिरेटिंग ऑर्गन्स होते हैं गिल्स, जिन्हें हम टिनीडिया कहते हैं। नर्वस सिस्टम इसके में पेयर्ड होगा, मीन्स पेयर्ड सेरिब्रल, पेयर्ड प्लूरल, पेयर पैडल, पेयर विसरल गैंगलिया प्रेजेंट होंगे। मेन इसमें आपने याद रखना है सेंस ऑर्गन्स। मोलस्का में आई एक्ट एज ए सेंस ऑर्गन काम करती है, और फोटो रिसेप्टर इसका काम है। ऑस्फेरिडियम एक स्ट्रक्चर है, ये मेन इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। ऑस्फेरिडियम एक स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है टेस्टिंग ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर, कि वाटर की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, उसको टेस्ट करने में हेल्प करता है। और ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मोलस्का में जो एक्ट एज ए सेंस ऑर्गन का काम करता है। डेवलपमेंट ओवीवोरस है। ओवीवोरस मीन्स ये एग ले करती है, और इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इसके आपने ये लार्वा याद रखने हैं, विल्गल लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा एंड गोलोकाइडियम लार्वा। ये तीनों लार्वा मोलस्का के लार्वा हैं। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मेलाकोलॉजी दैट इज द स्टडी ऑफ मोलस्का, कॉनकोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ मोलस्का शेल। नेक्स्ट इज ओरोवीशियन। ओरोवीशियन पीरियड है एज ऑफ मोलस्का, मीन्स एज ऑफ इनवर्टिब्रेट है, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल का पीरियड है। तो मोलस्का इस पीरियड में डोमिनेंट हुए थे। नेक्स्ट फाइलम मोलस्का को सिक्स क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज मोनोप्लेकोफोरा, सेकेंड वन इज एम्फीन्यूरा, थर्ड वन इज स्कैफोपोडा, फोर्थ वन इज गैस्ट्रोपोडा, फिफ्थ वन इज सिफेलोपोडा, एंड लास्ट वन इज पैलीसाइफोडा, लेमिब्रंकिएटा एंड बाइवेल्विया। ये आपने क्लासेस याद रखनी है। फर्स्ट मोनोप्लेकोफोडा में ये कनेक्टिंग लिंक, इसमें जो मेंबर इंक्लूड होते हैं, फर्स्ट वन इज मोनोप्लेकोफोरा। मोनोप्लेकोफोरा में जो मेंबर इंक्लूड होते हैं उनकी स्पून शेप होती है, और ये कनेक्टिव लिंक होते हैं बिटवीन अर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, मीन्स इसके पास अर्थ्रोपोडा के भी करेक्टर्स प्रेजेंट होंगे एंड मोलस्का के भी करेक्टर प्रेजेंट है। एग्जाम्पल में आपने याद रखना है नियो पाइलिना। नेक्स्ट वन इज एम्फीन्यूरा। एम्फीन्यूरा में इसका मेन करेक्टरिस्टिक फीचर है नॉन गैंग्लियो नर्व्स प्रेजेंट होती है माउथ के, माउथ के अराउंड नॉन गैंग्लियो नर्व रिंग प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल है इसकी काइटन। स्कैफोफोडा में जो शेल होती है वो ट्यूबुलर की फॉर्म में, ट्यूब की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, और ये ओपन होगी बोथ हैंड, ऊपर से भी या नीचे से भी ओपन होगी। एग्जाम्पल है इसकी डेंटालियम। गैस्ट्रोपोडा में
मेन इसका फीचर है कि जो रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है लार्वा में, लेकिन वो बाद में ट्विस्टेड हो जाती है टू फॉर्म ए टॉरिजिन लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि एग्जांपल पाइला। पाइला और लाइमस इसमें आते हैं गैस्ट्रोपोडा में। नेक्स्ट वन इज सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा में हेड एंड फुट दोनों कंबाइन होंगे, 8 टेंटिकल्स प्रेजेंट होती हैं और टॉप इनवर्टिबल एवोल्यूशन में ये इंक्लूड होते हैं। और जो सिफेलोपोडा है वो मोस्ट इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जो मेंबर्स हैं वो सिफेलोपोडा में इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल में सीपिया, ऑक्टोपस एंड लॉगिगो, इनके पास 8 टेंटिकल्स प्रेजेंट होती हैं और इनका जो हेड एंड फुट है वो दोनों कंबाइन होते हैं। लास्ट वन इज पैलीसाइफोडा, लैमीब्रैंकिएटा एंड बाइवेल्विया। इसमें इंक्लूड होते हैं यूनिनो, सोलन, पैक्टिन एंड पिंकटाडा। पिंकटाडा का कॉमन नेम है पर्ल ऑस्ट्रियर, ये 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। पिंकटाडा कौन से क्लास को बिलोंग करता है, तो ऑप्शन में आया था बाइवेल्विया। तो आपने इन सभी क्लासेस को अच्छे से याद करना है कि कौन से क्लास में कौन सा मेंबर इंक्लूड हो रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे इनके मेंबर्स और उनके कॉमन नेम्स। लाइक काइटन का कॉमन नेम है कॉट ऑफ द मेल शेल, डेंटालिनम का कॉमन नेम है द एलिफेंट टक शेल, यूनिनो का है फ्रेश वाटर, पाइला को हम एप्पल स्नेल भी कहते हैं, और इसका मेन फीचर याद रखना है ये हर्बीवोर्स है, मीन्स ये पिस्टिया वेलिसनेरिया के ऊपर फीड करता है। लाइमेक्स, सीपियन, ओलिगो, इन तीनों में इंटरनल शेल प्रेजेंट होती है। जो ऊपर 4 मेंबर मैंने आपको अभी पढ़ाए हैं उनमें आउटर शेल प्रेजेंट होती है, इन तीनों में इंटरनल शेल प्रेजेंट होती है। सीपिया को कटल फिश कहते हैं। इसका मेन फीचर याद रखना है कि इसमें इंक सैक होता है। जब इसने अपने आप को एनिमी से प्रोटेक्ट करना होता है तो वो इंक रिलीज कर देता है सी में। लास्ट वन इज ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को हम डेविल फिश भी कहते हैं और इसमें जो शेल होती है वो एब्सेंट होती है और ये अपना कलर चेंज करता रहता है। इसका मेन फीचर एक और है हेक्टोकोटिलाइज। ये सीपिया, लॉगिगो एंड ऑक्टोपस में ये तीनों में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जो लेफ्ट आर्म होती है इन एनिमल्स की या इन मेंबर्स की वो मॉडिफाई हो जाती है, स्पून लाइक स्ट्रक्चर शेप बना लेती है जो हेल्प करती है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन ए फीमेल। तो ये आपने याद रखना है हेक्टोकोटिलाइज ये तीनों में प्रेजेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फाइलम एकाइनोडर्मेटा। थैंक यू।